आखिर आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा, चंद्रयान 3 चांद के कितने नजदीक पहुंचा? चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड करेगा? दोस्तों, चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब पहुंच रहा है, उसकी गति धीरे धीरे धीमी होते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं SB जनरल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद नजदीक पहुंच गया है। लैंडर मॉड्यूल 18 अगस्त 2023 की शाम करीब 4 बजे IST डीबूस्ट किया जाएगा। चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार 18 अगस्त 2023 शाम करीब 4 बजे इसकी डीबूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। अब चंद्रमा की कक्षा में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो गए हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले डीबूस्टिंग मैनूवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी, यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझिए। चंद्रयान 3 आज से धीमी होने लगेगी चंद्रयान के लैंडर की रफ्तार। चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार 18 अगस्त 2023 शाम करीब 4 बजे इसकी डीबूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। दोस्तों, अब चंद्रमा की कक्षा में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो गए हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले डीबूस्टिंग मैनूवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के 30 km 100 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी, यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को शाम 5:47 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर का डीबूस्टिंग मैनूवर प्लान किया है। इसके जरिए विक्रम को उस कक्षा में पहुंचाया जाएगा जहां से चांद का सबसे करीबी पॉइंट पेरिल्यून 30 किलोमीटर दूर रह जाएगा और सबसे बाहरी पॉइंट अपोलून 100 किलोमीटर दूर। एक बार 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर का ऑर्बिट हासिल हो गया, फिर लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी। 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर सीधे बढ़ेगा। अभी यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, तब इसे वर्टिकल कर दिया जाएगा और यह चांद की सतह पर लैंड करने को तैयार होगा। चांद पर ऐसे होगी चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ा था। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी यह चांद पर लैंड कर जाएगा। सोमनाथ ने कहा था, अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, कुछ काम न करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते तो भी यह लैंड करने में सक्षम रहेगा। लैंडर विक्रम की गोद से यूं बाहर आएगा रोवर प्रज्ञान। चांद पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान ऊपर दिख रहे एनिमेशन की तरह बाहर आएगा। फिर प्रज्ञान अपनी स्टडी शुरू करेगा।
लैंडिंग के बाद चांद पर चहलकदमी करेगा प्रज्ञान। चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान वहां खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर अन्य सैंपल कलेक्ट करेगा। चांद पर प्रज्ञान की यह मूनवॉक इतिहास में दर्ज होगी। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की ऐसा कर पाए हैं। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।